तो दोस्तों फाइनली मेरे पास आ चुका है एक अमेज़ॉन की तरफ से एक बक्सा, नहीं मतलब बक्से के अंदर कुछ है और वो क्या है यही जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे क्लिक करके ऑल करना पड़ेगा। बार बार यार बता रहा हूँ आप सबको, आप लोग कर दो यार, बहुत जल्द हम लोग 1K सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं और फिर मज़ा ही मज़ा आएगा। क्या करो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो और चलो यार अनबॉक्सिंग के लिए लेट हो रहा है यार, जल्दी चलो। स्केचबुक है जो कि मैंने अभी आप सबको दिखाया, ये स्केचबुक मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये है ब्रूस्टो A5 साइज टोन्ड ग्रे टोन्ड पेपर या तो ये जो स्केचबुक है, मैंने कभी इससे पहले ग्रे टोन पेपर में कभी मैंने काम किया नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है यार कुछ इंटरेस्टिंग से बनाएंगे हम। तो लूज जो शीट आता है अमेज़ॉन में मैं वो भी ले सकता था, लेकिन तो मैंने सोचा कि यार बहुत सा मुझे कुछ बनाना है, कुछ क्रिएटिव काम करना है, तो मैंने पूरा का पूरा एक स्केचबुक ही मंगवा लिया। तो आप लोग ग्रे टोन पेपर भी मंगवा सकते हो लूज पेपर में और आप लोग ऐसे स्केचबुक भी मंगवा सकते हो। तो अगर मैं इसका बात करूँ इसका प्राइस की, तो इसका प्राइस है 297 रुपीज़ और ये आपको लगभग डिलीवरी चार्ज मिला के 350 के अंदर आ जाएगा। और अगर आप लोग ऑफलाइन परचेस करोगे तो शायद मेरे ख्याल से अप्रॉक्सली आपको 300 के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ये जो स्केचबुक है इसमें आपको मिलता है 60 पेजेस और ये 60 पेजेस को अगर आप बुक काउंट में अगर आप काउंट करते हैं तो 120 पेजेस आपको मिलेगा। और उसके बाद इसका जो अगर साइज़ तो मैंने बता ही दिया A5 साइज का है, और इसके साथ साथ आप इस पर किस तरह के काम कर सकते हो, आप इसमें चारकोल के काम कर सकते हो, आप इसमें कलर पेंसिल के काम कर सकते हो, ग्राफाइट में भी काम कर सकते हो, लेकिन अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया। यूज़ करने के बाद मैं आप सबको मेरा ओपिनियन आप सबको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों कैसा आउटपुट आता है इस स्केचबुक से। तो दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सबको देना चाहता हूँ, ये जो स्केचबुक है इसका जो मतलब GSM है, मैं आप सबको बताना भूल गया, इसका GSM 120 GSM है, ठीक है। A5 साइज का 120 GSM 60 पेजेस, बुक काउंट में 120 पेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये है वो पेपर, कितना अच्छा क्वालिटी का है यार, मज़ा आ जाएगा इसमें काम करके। तो चलिए दोस्तों जल्दी से काम शुरू करते हैं इसमें।
तो दोस्तों सच कहूँ तो बहुत मज़ा आया इस पेपर में, फर्स्ट टाइम मेरे एक्सपीरियंस से बहुत मज़ा आया काम करके। तो आपको भी दिख रहा होगा ये किंग फिशर। तो यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब खास लगा कि क्योंकि ये जो पेपर है वो ग्रे है, इसलिए ये यहाँ पर मैं जो भी कलर दे रहा हूँ वो बहुत ही खुल के आ रहा है, और जब मैं वाइट जेल पेन यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट्स के लिए तो और भी अट्रैक्टिव लग रहा है, और भी रियलिस्टिक लग रहा है। तो यही कारण है जिसके लिए मैंने ये ग्रे टोन का जो स्केच बुक है मैंने मंगवाया था। तो सच्ची मुझे बहुत मज़ा आया काम करके, और मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ काम मुझे करना भी था, और आगे भी मैं बहुत ऐसा कुछ काम करूँगा और वो भी आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो इसलिए मैंने सोचा एक कॉम्पैक्ट सा ये जो एक जो स्केच बुक है बहुत कॉम्पैक्ट है, आप इसे फोल्ड भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पर आपको एक इलास्टिक बैंड भी देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर आप लोग ऐसे इसको लगा के इसे रख सकते हो, इससे क्या होता है खुलता नहीं है आसानी से, तो आर्टवर्क भी आपका सेफ रहता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी अगर ऐसा कुछ टोन पेपर ढूंढ रहे हो तो यार ख़रीद लेना इसको, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो जो भी अब इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके परचेस कर लेना, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड।